अच्छा, जो लोग यहाँ पर कुंभ में आएंगे वो मतलब स्नान तो करेंगे ही, बट उसमें कैसे क्या पूजा करें या वो क्या भाव लेके आए, मतलब कैसे उनकी पूरी यात्रा हो? देखिए, यहाँ लोग आते हैं तो अगर हर व्यक्ति बैठ करके अलग अलग पूजन करने लगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ आने के बाद होना चाहिए, एक तो देखिए लोग कहते हैं कि हमको संगम में स्नान करना है, तो संगम खाली जहाँ गंगा जमुना जी मिल रही है, यही संगम क्षेत्र नहीं है। हमारे यहाँ एक शास्त्रीय प्रमाण है, 5 कोस के अंतराल में चारों तरफ से ये पूरे हमारे यहाँ संगम का ही प्रभाव माना जाता है। इसके वेणी माधव भगवान हैं और द्वादश माधव के रूप में भगवान 5 कोस के अंदर में फैले हुए हैं। इस बीच में जहाँ भी आपको जगह मिलता है प्रेम के साथ में, ऐसा नहीं कि जहाँ भीड़ है वहीं चार लोग बैठ गए, इधर से रास्ता ब्लॉक कर दिए, उधर से ब्लॉक कर दिए, पुलिस वाले चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, ऐसा नहीं। 5 कोस के अंदर में देखिए कि जिससे किसी को तकलीफ न हो और वहाँ खाली जगह में बैठ करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। देखना, गंगा मैया के यहाँ हैं, आप किसी के दरवाजे में जाएंगे वहाँ जा करके अगर आप अव्यवस्था फैलाते हैं तो वहाँ के मालिक को अच्छा नहीं लगता। वैसे ही गंगा मैया के क्षेत्र में आए हैं, वेणी माधव भगवान के क्षेत्र में आए हैं, अगर उनके यहाँ आकर के कोई श्रद्धालु भी बन करके आकर के यहाँ अव्यवस्था बैठाता है, ज़बरदस्ती कोई अगरबत्ती जला रहा है, कोई दीपक जला रहा है, कोई जल रहा है, कोई ऐसा नहीं, खाली जगह में जहाँ जिस प्रकार की व्यवस्था हो, ये 12 कोस का जो हमारे मैंने 5 कोस का जो एरिया है उसमें जैसे सुव्यवस्था है, इसीलिए देखना जगह जगह टेंटों की व्यवस्था और व्यवस्था अलग अलग है, जो जहाँ है यहाँ आए प्रेम के साथ, जैसे जगह मिल जाए वैसे स्नान करें। स्नान करने के बाद में जिसको जहाँ व्यवस्था हो वहाँ पर जाकर के आप अपना पूजा पाठ हर प्रकार से कर सकते हैं। जैसे जो यहाँ रहने वाले कल्पवास रहने वालों के लिए स्वयं की व्यवस्था होती है, जो बाहर से भी हमारे आगंतुक आ रहे हैं, हम लोग सब लोगों को आह्वान कर रहे हैं, हम भी रामानुजगर आचार वाड़ा के अध्यक्ष हैं, हमारा भी एक बहुत बड़ा समाज है और संपूर्ण विश्व में हम लोग जनमानसों को एक आह्वान करते हैं कि आप सब लोग आइए गंगा जी में स्नान करिए, जिसकी जहाँ व्यवस्था है वहाँ जा करके रहें, जिनकी व्यवस्था नहीं है उसके लिए प्रशासन जगह जगह व्यवस्था दे रही है, उनके लिए एक पंडाल बना रही है उनके रहने के लिए, उसमें जा कर के ही पूजा पाठ जहाँ सुव्यवस्थित हो जाना करें, जिससे किसी को अव्यवस्था भी ना हो और सफाई का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना हम साफ सुथरा रहेंगे वही हम सुव्यवस्थित रहेंगे। जितना गंदगी करेंगे, यहाँ आए हैं तीर्थ करने के लिए, लेकिन तीर्थ करने के बाद भी यहाँ उतनी अव्यवस्था फैला करके उतनी मक्खियाँ मच्छर अगर हम फैला देंगे तो उससे हमको भी अव्यवस्था होगी, आने वालों को भी अव्यवस्था होगी, इसका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हम सब लोगों से, संपूर्ण जनमानस से हम इसका आह्वान करते हैं।